रायपुर में बिना परीक्षा देने गए स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए ही वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीएससी नर्सिंग की परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन परीक्षा के पहले पेपर लीक हो गया, जिसके बाद बीएससी नर्सिंग की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एग्जाम पहले ही की तरह आयोजित किए जाएंगे। वहीं बीएससी नर्सिंग के लिए परीक्षा की तिथि आने वाले दिनों में घोषित की जाएगी। इसी को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार में सब संभव है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और भूपेश जी के नेतृत्व में हर चीज संभव है। बीएससी में भी गड़बड़े हो सकती हैं, परीक्षाओं के पेपर बाजार में बिक सकते हैं। आज ही आयुष विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के पेपर बाजार में खुलेआम बिक रहे थे और उसके कारण 35,000 बच्चों का एग्जाम आज होना था और मजबूरी में राज्य सरकार को उस एग्जाम को निरस्त करना पड़ा। वो इस बात की ओर इंगित करता है कि बच्चों के भविष्य के साथ में ये सरकार कितना खिलवाड़ कर रही है। कम से कम बाकी चीजों में माफियागिरी हो रही है, बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ में, छात्रों के साथ में और नौकरियों में जिनको काम मिलना है, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू प्रवेश मिलना है, ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आयुष विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग के पेपर का आउट होना ये पूरी सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिति है और इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।